आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 7 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में 8 अगस्त से लेकर आज तक यानी कि 14 अगस्त तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सब का यहाँ एनालिसिस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स भी डिस्कस किया था उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे आज के इस सेशन में। आज का इस सेशन बाकी सेशन की तरह ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो सेशन को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने गोल को लेकर अपने टारगेट को लेकर बहुत ही मोटिवेटेड होंगे। और जो भी है, चाहे ACF का पेपर हो, चाहे आप CGPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, पूरे जोर और शोर से कर रहे होंगे। बाकी जो भी आपके आसपास में एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में से पॉजिटिव एनवायरनमेंट ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और सकारात्मक सोच के साथ में तैयारी करते रहिएगा। इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं आप लोगों के लिए यही कामना करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 2019 में इसकी शुरुआत हुई है लेकिन लगातार सुर्खियों में है राम वन गमन पथ, तो इसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा, चंदखुरी, तुरतुरिया, सुकमा या फिर धमतरी। ठीक, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो है आप लोगों के लिए, हाल ही में बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा के नाम पर किन के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है तेंदुपत्ता संग्राहक, वनोपज संग्राहक, गन्ना उत्पादक या फिर ऑल ऑफ दी एवब। इसका जवाब भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में दीर्घायु वार्ड स्थित है। ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 9। तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि ACF के पेपर्स के लिए कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़ना है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो मैक्सिमम एक साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है। ACF के लिए भी मैक्सिमम एक साल का करंट अफेयर पढ़ना होगा। तो जैसे ही ACF का एग्ज़ाम पास में आएगा मैं पूरा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आपको ACF के लिए भी करवा दूंगा। अभी जो हमारा वीकली सेशन चल रहा है, चाहे आप CGPSC मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ACF के वन डे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इस करंट अफेयर के माध्यम से निरंतर करते रहिए। जब ACF का पेपर आएगा तो उस वक्त भी करवा दूंगा और जब मेंस का पेपर आएगा तो उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होंगे उसको मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आज का हम अपना एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इंदिरा वन मितान योजना से संबंधित है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एक और स्कीम अनाउंस किया गया है इंदिरा वन मितान योजना के नाम से। इस स्कीम को अनाउंस किया गया है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। तो आप लोगों के लिए यहां पर एक सवाल और बन जाता है कि प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आप लोग हम यहाँ पर समझते हैं कि इंदिरा वन मितान योजना आखिर है क्या। तो वनवासियों के लिए यहाँ पर स्वावलंबी बनाना है, वनवासियों के लिए खुशहाली और वनांचल के गाँवों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य के साथ में इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को शुरू करने के पीछे का अगर और हम पर्पस देखें तो देखिए यहाँ पर 31 वनोपज पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दिया जाता है। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो है वो 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा रकम दी जाती है। अब यहाँ पर इसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो सके, प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज किया जा सके, इसीलिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, 10,000 गांव में युवाओं की मदद से समूह बनाया जाएगा। जैसे प्रत्येक गांव में 100 से लेकर 500 युवाओं का एक समूह बनेगा जो कि वहाँ पर प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड या फिर प्रोसेसिंग से रिलेटेड
इन चीज़ों का मैनेज करेगा यह समूह, इसका उद्देश्य है। और इन्हीं समूहों के माध्यम से वृक्ष प्रबंधन का अधिकार भी इनको दिया जाएगा इस योजना के तहत। कहने का मतलब है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में युवाओं को भी रोज़गार मिल सके, ये इसका उद्देश्य है। और जो वनोपज का संग्रहण कर रहे हैं उनको भी रोज़गार दिया जा सके, वो भी इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद अगर हम इसके कुछ और प्रोविजंस की बात हम करें और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा स्कीम, तो समझ लीजिए कि मार्केटिंग की व्यवस्था करने के लिए यह ग्रुप क्या करेगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक विकास खंड में वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करेगा। और एक यूनिट की अनुमानित लागत जो होगा वो लगभग 10 लाख रुपया होगा, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्रों के लगभग 85 विकास खंड में वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना किया जाएगा। और इसका जो टोटल बजट होगा वो लगभग आपका 8,50,00,000 रुपये का होगा। तो इस स्कीम से कहने का मतलब है, अगर एक दो लाइन में समझो, तो जो भी वनोपज का संग्रहण किया जाता है वनवासियों के द्वारा, उनको सशक्त बनाना, उनको वनोपज की जो सही कीमत है वो प्रदान करवाना, इन सब के माध्यम से वहाँ के युवाओं को भी रोज़गार मिल सके और वहाँ के जो संग्राहक लोग हैं उनको भी रोज़गार और उनकी सही कीमत मिल सके, इन्हीं सब उद्देश्य के साथ में इंदिरा वन मितान योजना का अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ वन अधिकार पत्र वितरण करने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि वन अधिकार पत्र क्या होता है। देखिए, अगर हम ट्राइबल एरिया की बात करें छत्तीसगढ़ में, अगर आप देखोगे तो यहाँ 32% के आसपास जो हैं अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं और जो मुख्य रूप से वनांचल क्षेत्र में रहते हैं, तो उनका आय का साधन क्या है, उनका रोजगार का साधन क्या है, तो वन ही है जो उनके आय के साधन है और रोजगार के साधन है। तो उनको अधिकार देने के लिए, उनको राइट्स देने के लिए, रोजगार देने के लिए वन अधिकार पत्र का वितरण किया जाता है। इसके लिए कानून भी बनाया गया है, कानून के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसी के अंतर्गत कम्युनिटी की अगर बात कर लो या फिर इंडिविजुअल बात कर लो, वन अधिकार पत्र देने के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल है। और छत्तीसगढ़ ने अब तक 484,975 जो हैं वनाधिकार पत्र वितरित कर लिए हैं। और इस मामले में सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, जिसने लगभग 2,00,000 जो है वो पत्र वितरित किए हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि आखिर जो है ये अधिकार पत्र किस कानून के तहत वितरित किए जाते हैं। तो कानून है अनुसूचित जनजाति और अनपरंपरागत वनवासी अधिनियम 2006, जो कि भारत के संसद द्वारा यह कानून पारित किया गया है वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। इसके अंतर्गत में 4 पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर इस कानून को क्यों लाया गया है। तो वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ओनरशिप राइट्स लेकर आया जा सके उस क्षेत्र में, उपयोग संबंधी अधिकार दिया जा सके, राहत और विकास संबंधी अधिकार दिया जा सके, इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स भी उन लोगों को दिया जा सके, ताकि वो अपने लिए रोजगार की सुविधा या फिर अपने जीवन यापन के लिए जो वनों पर निर्भर हैं वो इसका उपयोग कर सकें। इसीलिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 लाया गया। और इसीलिए खासकर जो ट्राइबल एरिया हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा जंगल हैं और जहां पर बहुत ज़्यादा वनवासी लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों में इस कानून को लागू किया गया है, ताकि वहाँ के वनों का जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करके ये लोग अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसी के तहत में वनों का अधिकार पत्र जो है उनको दिया जाता है, ताकि जितने का अधिकार पत्र दिया गया है उस अधिकार पत्र में जितने भी वन स्थापित हैं उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, चाहे वहाँ पर खेती करके, चाहे वहाँ पर वन उपज का इस्तेमाल करके वो अपना जीवन यापन कर सके। कहने का मतलब यह है कि वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसीलिए इस अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, 3 टूरिस्ट रिसॉर्ट का ई लोकार्पण किया गया है। ये रिसॉर्ट जो है इको एथनिक रिसॉर्ट है, जिसे कि
ट्राइबल सर्किट के तहत लॉन्च किया गया है। ये ट्राइबल सर्किट क्या है? तो भारत सरकार की एक योजना है, स्वदेश दर्शन योजना, जिसे लॉन्च किया गया था 2015 और 16 के बजट भाषण में। दो स्कीम को लॉन्च किया गया था एक साथ, स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना, ताकि देश का जो पर्यटन क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा सके। जिसके तहत स्वदेश दर्शन स्कीम की अगर हम बात करें तो थीम आधारित पर्यटन क्षेत्र को विकसित करना इसका उद्देश्य है। थीम आधारित कहने का मतलब आदिवासी परिपथ हो गया, रामायण परिपथ हो गया, बौद्ध परिपथ हो गया, इस तरह से पूरे देश भर में लगभग 13 परिपथ का चयन किया गया था जिनका विकास करना था। और उसी के तहत आदिवासी परिपथ की जो शुरुआत है पूरे देश में कहाँ से हुई थी? छत्तीसगढ़ से ही हुआ था। अब इस आदिवासी परिपथ के तहत बना 3 एथनिक रिसोर्ट का ई लॉन्चिंग होने वाला है हाल ही में, और यह ई लॉन्चिंग किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। और ये 3 रिसोर्ट कौन कौन से होंगे ये ध्यान रख लीजिए, बिलासपुर का कुरदर है, कबीरधाम जिले का सरोधा दादर तथा कोंडागांव जिले का धनकुल में बना इको एथनिक रिसोर्ट, इन तीनों का हाल ही में लोकार्पण किया जाएगा। और तीनों के तीनों जो हैं वो ट्राइबल सर्किट से रिलेटेड हैं भारत सरकार के स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत। इसके बाद इस इमेजेस की मदद से भी आप देख सकते हो इन तीनों के बारे में, कुरदूर का हिल इको रिसोर्ट, इसके अलावा बैगा एथनिक रिसोर्ट जो कि सरोधा दादर जिला कबीरधाम में स्थित है, और धनकुल एथनिक रिसोर्ट जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। तो यहां पर आपको क्या क्या याद रखना है, स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से टूरिज्म प्लेसेस को डेवलप किया जा रहा है, आदिवासी परिपथ के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत में आदिवासी परिपथ की तो बात हो गई, लेकिन रामायण परिपथ के तहत में छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला शामिल है, वो जिला है जगदलपुर। इसके अलावा प्रसाद योजना के तहत में छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्षेत्र शामिल है, वो है डोंगरगढ़। इस चीज को भी याद रखिएगा कि स्वदेश दर्शन योजना का छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से इंप्लीमेंट हुआ है। अगर इसके अलावा हम यहाँ पर सिर्फ आदिवासी परिपथ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो है 13 स्थानों पर 96 करोड़ रुपए की मदद से इको एथनिक टूरिस्ट रिसोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, और वो 13 स्थान इस प्रकार से हैं, इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। हालांकि रामायण परिपथ के तहत सिर्फ एक जिला शामिल है, लेकिन आदिवासी परिपथ के तहत इन स्थानों का चयन किया गया है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राज्य के 3 जिलों में स्थापित होंगे ग्रामोद्योग सेक्टर, जिसमें खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दुर्ग, कोंडागांव एवं सुकमा जिले में ग्रामोद्योग गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामोद्योग सेक्टर को स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना। और एक आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 219 ग्रामोद्योग इकाइयां अभी वर्तमान समय में संचालित हैं, और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 1500 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बस आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हाल ही में राज्य के 3 जिलों में स्थापित ग्रामोद्योग कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे, दुर्ग, कोंडागांव एवं सुकमा में। और इसके अलावा जो अदर फैक्ट्स हैं इसके कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा टॉपिक है, शहरी लोगों को मिला वन भूमि का अधिकार, ये भी वन पत्र से ही जुड़ा हुआ है। तो अभी तक तो ग्रामीण क्षेत्रों को यानी कि वनांचल क्षेत्रों को जो है वो अधिकार पत्र दिया जाता रहा है वनों का, लेकिन पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शहर को जो है वो वन भूमि का अधिकार दिया गया है, और यह शहर है जगदलपुर नगर निगम, और देश का पहला ऐसा नगर निगम है जिसको भूमि का अधिकार पत्र दिया गया है, और 4 लोगों को यह भूमि का शुरुआती दौर में अधिकार पत्र दिया गया है। बस इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है जगदलपुर के बारे में, इंपॉर्टेंट हो सकता है 1 डे एग्जाम के लिए, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, वनाधिकार पर ही केंद्रित पुस्तिका ई आशाएं का विमोचन किया गया है, 1 डे एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हाल ही में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया गया वनाधिकार नई आशाएं नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया गया है। किस पर आधारित है ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वनाधिकार पर केंद्रित यह एक पुस्तिका है जिसका विमोचन किया गया है, 1 डे एग्जाम के लिए बस इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। इस पुस्तिका का नाम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट
चुना गया है। ये कई दिनों से न्यूज़ में था कि चुने जाने वाले हैं, लेकिन अब फाइनली इनको छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। इससे पूर्व जो है वो कौन प्रेसिडेंट थे, तो डॉक्टर रमन सिंह जो हैं वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट थे, और इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही कार्यकारिणी अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के। इसके अलावा महासचिव किनको अपॉइंट किया गया है, गुरुचरण सिंह होरा को, ये भी याद रखिएगा, ये भी सचिव हैं टेनिस एसोसिएशन का। कोषाध्यक्ष किनको अपॉइंट किया गया है, सही राम जाखड़ को, और ये अभी प्रेसिडेंट है स्विमिंग एसोसिएशन का। तो इन कुछ अपॉइंटमेंट्स का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोरिया के जंगलों में सफ़ेद भालू मिला है, और सफ़ेद भालू अगर मुख्य रूप से आप देखोगे तो ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं, और इस सफ़ेद भालू को पोलर बियर के नाम से भी जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ में पहली बार सफ़ेद भालू देखा गया है। कौन से ज़िले में देखा गया है ये आपको ध्यान रखना है, तो कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में यह सफ़ेद भालू देखा गया है। अगर हम कोरिया का चिरमिरी एरिया की बात करें तो यहाँ पर काले रंग का भालू जो है वो बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है, लेकिन सफ़ेद भालू पहली बार देखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल वैल्यू भी आप कर सकते हो, और इसके अलावा वनडे एग्जाम के लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोरिया के जंगलों में सफ़ेद भालू का देखा जाना एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि ये अभी तक ध्रुवीय प्रदेशों में ही पाए जाते थे, तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो में जो हमारा लास्ट का टॉपिक है वो है वसुंधरा सम्मान से संबंधित। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यानी कि 14 अगस्त को वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंग्रेजी दैनिक हितवाद के संपादक हैं, जिनका नाम याद रखिएगा श्री ई वी मुरली, इनको 20वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वसुंधरा सम्मान के बारे में भी याद रखिएगा, वसुंधरा सम्मान जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, और इस वर्ष 20वां वसुंधरा सम्मान किनको मिला है, तो हितवाद के संपादक हैं श्री ई वी मुरली को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है 14 अगस्त को। तो ये था पूरा इस सप्ताह का छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर, जिसमें हमने लगभग 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस किया है। तो आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।